जबलपुर रांची लॉकडाउन के बावजूद भी चोरों के हौसले इतने बुलंद कि एक के बाद एक चोरियों की वारदात को अंजाम देने में कोई कोताही नहीं बरत रहे। जहां दो दिन पहले ही चोरों द्वारा बड़ा पत्थर रांची स्थित इंग्लिश शराब दुकान का ताला तोड़कर शराब की बोतलों पर हाथ साफ कर फरार हो गए और पुलिस जांच में जुटी रही। थाने से चंद कदमों की दूरी पर स्थित देसी शराब दुकानों को चोरों ने अपना निशाना बना डाला। जहां रांची व्हीकल मुख्य चौराहे के पास स्थित देसी शराब दुकान के पीछे का दरवाजा तोड़कर चोरों ने की शराब की बोतलें चुरा ली। वहीं जब इसकी जानकारी शराब दुकान के मैनेजर चुन्नी लाल को लगी तो उसने पुलिस को सूचना दी। जहां मौके पर पहुंची पुलिस और आबकारी टीम द्वारा चोरी की घटना की जांच कर प्रकरण दर्ज कर अज्ञात चोरों की पता साजी करने के प्रयास शुरू कर दिए गए। एजेंसी के मैनेजर ने बताया था कि पीछे से किसी ने दीवार तोड़ने की कोशिश की है तो उसको वेल्डिंग कराना है, उस दीवार की मरम्मत कराना है, इसलिए उन्होंने जो है तो हमको बताया था। तो हम जो है तो आकर के देखे तो वाकई पीछे से जो है तो आहते के पीछे का दरवाजा में एक होल है। इसके बाद में जो है तो स्टॉक वाले रूम के ईंटों को खोद करके और निकालने का प्रयास किया गया है। तो सर कुछ इसमें शंका समझ में आ रही, कुछ माल आज भी निकला? माल तो अभी शायद ले जाने में सफल कितना हुए हैं नहीं कह सकते, वैसे माल नहीं निकला है, लेकिन उन्होंने चोरी करने का प्रयास तो पूरा किया है। पीछे होल है जिसको जो है तो अभी वेल्डिंग करा दिया है हम लोगों ने, मरम्मत करा दिया है। सूचना इन्हीं लोगों ने दिया था, शराब कंपनी के मैनेजर लोगों ने। जबलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।